यत्र प्रतिभा अवसरम प्रपनोति। ये एक ऐसी श्लोक है जिसे आप आईपीएल की ट्रॉफी पर लिखा पाएंगे। इस श्लोक के मतलब को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम यही कहेंगे, जहां टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है और आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना जाने कितने क्रिकेटर्स को अपने अंदर के हुनर को दिखाने का मौका मिलता है। 2008 में जब आईपीएल पहली बार शुरू हुआ तो इसका एक मकसद ये भी था कि ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां पर इंडिया के युवा अनकैप्ड क्रिकेटर्स बिना इंटरनेशनल क्रिकेट खेले अपने टैलेंट्स को बड़ी स्टेज पर दिखा सके। इसके साथ ही उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिले, जिससे कि फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट की नींव को और मजबूत बनाया जा सके। आईपीएल के शुरुआती सीजन में तो सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स का बोलबाला था, जैसे मैथ्यू हेडन, हस्सी, मैक्यूलम, ब्रावो, मलिंगा। ये सब कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो अकेले दम पर अपनी टीम का बोझ उठाते थे, जबकि इंडियन प्लेयर्स में वही प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते थे जो पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसे में ये लीग, जिसका मकसद यंग अनकैप्ड क्रिकेटर्स के टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना था, वो मकसद कहीं ना कहीं खोता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त तब बदला जब 2013 में संजू सैमसन ने अपना आईपीएल डेब्यू किया। इससे पहले संजू सैमसन ने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी, लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए उन्होंने कई सारी अच्छी परफॉर्मेंस की तो ऐसा लगने लगा कि अब वो टाइम आ गया है जहां पर इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स भी इस लीग में अपना सिक्का चलाएंगे। और ठीक दो साल बाद 2015 में हार्दिक पांड्या ने भी मुंबई इंडियंस की तरफ से कई सारे मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर ये बतला दिया था कि आने वाले समय में इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स की तूती बोलेगी। उसके बाद से तो योजी चहल, कुलदीप यादव, सुरेश अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज जैसे न जाने कितने यंग अनकैप्ड प्लेयर्स की लड़ी लग गई थी, जो आगे आकर इस लीग में दमदार परफॉर्मेंस करने लगे थे। 2021 एक ऐसा साल था जहां पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर कब्जा दो अनकैप्ड प्लेयर्स ऋतुराज गायकवाड़ और हर्षल पटेल ने किया था, जहां पर पहली बार ऑरेंज और पर्पल कैप किसी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को मिली थी। अगर हम इस सीजन की बात करें तो इस सीजन यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, निहाल वाद्रा, ध्रुव जुरेल, सुरेश शर्मा, प्रभ, सिमरन सिंह, तुषार देशपांडे जैसे कुछ ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं जो हर मैच में एक से बढ़कर एक उम्दा परफॉर्मेंस करके सितारों से सजी इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी अलग चमक बिखेर रहे हैं। देखा जाए तो इस बड़े लेवल पर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्म करने का पूरा क्रेडिट बीसीसीआई के बने हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है। बीसीसीआई ने क्रिकेट का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां पर यंग अनकैप्ड प्लेयर्स आईपीएल में रेडी टू प्ले टेम्पलेट के साथ आते हैं और परफॉर्म करते हैं, यानी इन प्लेयर्स को जैसे ही मौका मिलता है ये परफॉर्म कर देते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें ध्रुव जुरेल और सुरेश शर्मा के रूप में मिला, जहां दोनों ने ही अपने पहले मैच में ही छाप छोड़ दी थी। इसके अलावा बीसीसीआई अंडर 16 और अंडर 19 लेवल से ही यंग क्रिकेटर्स की इस तरह से ग्रूमिंग करती है जहां पर उन्हें आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके लिए बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स की सर्विसेज ली थी। बीसीसीआई ने 2016 में राहुल द्रविड़ को इंडिया अंडर 19 का कोच बनाया, फिर 2019 में नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हेड बनाया। राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप में यंग प्लेयर्स स्किल्स के साथ साथ प्रेशर हैंडलिंग और मेंटल टफनेस जैसी चीज़ों को भी सीख रहे थे। वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में किस माइंडसेट के साथ खेला जाए, इसके लिए एनसीए में टाइम टू टाइम करंट इंडियन प्लेयर्स को टिप्स देने के लिए भी बुलाया जाने लगा था। इन सब चीज़ों का नतीजा हमें तब देखने को मिला जब पिछले 6 अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया अंडर 19 टीम ने 5 बार फाइनल खेल के 3 बार चैंपियन होने का तमगा हासिल किया। अगर हम इसके दूसरे पहलू पर भी नज़र डालें तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के फॉर्मेट को भी काफ़ी चेंज किया। पहले रणजी ट्रॉफी में बड़ी बड़ी टीमें खेलती थी, अब रणजी ट्रॉफी में बिहार, नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड जैसी छोटी टीमों को बड़ी बड़ी टीमों के साथ ग्रुप्स में रखा जाने लगा, ताकि इन स्टेट्स के प्लेयर्स भी बड़े बड़े स्टेट्स की टीम जैसे मुंबई, दिल्ली जैसी टीमों के अगेंस्ट खेलकर अपने गेम के स्टैंडर्ड को बढ़ा सके, जिससे देश को बड़े लेवल पर और भी ज़्यादा नए नए टैलेंट्स का पूल देखने को मिल सके। आईपीएल अब 15 साल पुरानी लीग हो चुकी है। दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वाले हर यंग प्लेयर्स का आईपीएल में खेलने का एक सपना होता है। ऐसे में नए और यंग प्लेयर्स आईपीएल खेलने से पहले ही अपना होमवर्क करके आते हैं। यंग प्लेयर्स अपना माइंडसेट पहले ही बना लेते हैं
कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन, अपनी बैटिंग टेक्निक, अपनी फिटनेस आईपीएल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करनी है, ताकि जब उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिले तो उनके लिए आईपीएल में परफॉर्म करना आसान हो। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने भी यंग अनकैप्ड प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना और उन पर फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन फ्रेंचाइजी को ये मालूम होता है कि इन युवा खिलाड़ियों को कम बेस प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके लिए कुछ फ्रेंचाइजी ने अपनी खुद की अकेडमीज बनाई है, जहां पर ये 12 से 15 साल के एज ग्रुप के यंग क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि इन्हें आईपीएल खेलने के लिए इनकी सही से ग्रूमिंग हो सके और जब ऑक्शन का टाइम आए तो इन्हीं प्लेयर्स को कम बेस प्राइस पर खरीदा जा सके। जिस हिसाब से हमारे देश में यंग और टैलेंटेड अनकैप्ड प्लेयर्स का पूल हर साल निकल के आ रहा है, उस हिसाब से हम इजीली कह सकते हैं कि अगर इन युवा खिलाड़ियों की एक अलग टीम बना दी जाए तो इन प्लेयर्स के अंदर इतना मादा है कि ये टीम किसी भी इंटरनेशनल टीम को टफ फाइट दे सकते हैं। आप अपने फेवरेट अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट की एक टीम बनाएं और नीचे कमेंट करें। शुभमन गिल भी आईपीएल के ही प्रोडक्ट हैं। इस साल का आईपीएल अब ख़त्म होने पर है। इस साल हमें अनकैप्ड प्लेयर्स से कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उम्मीद है कि अगले साल का आईपीएल भी इन युवा खिलाड़ियों के लिए और ज़्यादा धमाकेदार रहे और इसी तरह हमें और भी ज़्यादा यंग अनकैप्ड प्लेयर्स परफॉर्म करते दिखे, ताकि पूरी दुनिया आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट का लोहा माने। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें।